नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के सिंगल क्रिस्टल ब्लेड के बारे में, जिसको लेकर डीआरडीओ ने जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो सामने रखा है। हालांकि इस तरह की जो तकनीक है वो पहले ही डेवलप कर ली गई थी कावेरी इंजन के लिए, जो कि तैयार थी अराउंड 2015 में। लेकिन यहाँ पर जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बनाया गया है वो एचएल के इंजन के लिए बनाया गया है, यानी कि हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन और टर्बोशाफ्ट इंजन के लिए बनाए गए हैं। प्राइमरली यहाँ पे हेलीकॉप्टर इंजन के लिए बनाए गए हैं, यानी कि टर्बोशाफ्ट इंजन में इस्तेमाल किए जाएंगे एसटीएससी 1200 में, जिसको अभी हाल ही में एयर इंडिया के टाइम पर डिस्प्ले किया गया था। तो यहाँ पे डीआरडीओ की जो तकनीक है वो डिराइव हुई है कावेरी के इंजन ब्लेड तकनीक से। तो इसको लेकर हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, चैलेंज है, वो यहाँ पे आते हैं, और सिंगल क्रिस्टल ब्लेड की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ती है, ज्यादातर लोगों को ये पता होगा। यहाँ पे एक और जो एस्पेक्ट है वो हम रख देंगे कि अभी हाल ही में जो 3D प्रिंटिंग है विप्रो से वो प्रोक्योर किया है एचएल ने, मतलब यहाँ पे जो भी इंजन पार्ट है उनको प्रिंट करने के लिए जो 3D प्रिंटिंग मेथड है, यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मेथड, उसकी तरफ एचएल जा चुकी है। तो इसको लेकर भी कुछ सवाल फ्लोट कर रहे थे सोशल मीडिया पे। तो इस पर्सपेक्टिव को भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कितना यहाँ पे डिफरेंट होगा आपका 3D प्रिंटिंग मेथड से ये जो आपका सिंगल क्रिस्टल ब्लेड है। तो इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि जो भी आपके गैस टरबाइन इंजन होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो आपके इंजन के टेम्परेचर रेशियो पर डिपेंड करता है, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर टू द मिनिमम टेम्परेचर। तो जब आपका मिनिमम टेम्परेचर होगा वो ऑब्वियसली आप एम्बियंट फिक्स कर दोगे, लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो आमतौर पर जो भी आपके हाई प्रेशर टर्बाइन होते हैं यानी कि HPT, उनके इनलेट पर रिसीव किए जाते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर कितना हाई जा सकता है डिपेंड करके आपने किस मटेरियल से जो ब्लेड हैं वो बनाए हैं टर्बाइन के HPT के। तो यहाँ पर DRDO ने जो ब्लेड हैं वो निकिल सुपर अलॉय से बनाए हैं, जो कि सुपर स्ट्रक्चर है, जो कि टेम्परेचर को ले जा सकता है 1250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, अप टू ये ले जा सकता है 1500 डिग्री तक। तो मतलब जितना आपका जो टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर आपके टर्बाइन में, वो जितना हायर आप ले जाओगे तो आपके जो इंजन की एफिशिएंसी है वो उतनी हायर होगी। तो बेसिकली जो एफिशिएंसी है वो दो तरीकों से बढ़ जाती है। पहले आपके इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो है वो आप हायर कर दो, मतलब जो भी आप एयर इंटेक ले रहे हो उसको आप हाईली कंप्रेस कर दो। आप हाईली कंप्रेस कर दोगे तो उसमें आप थोड़ा सा भी फ्यूल ऐड करोगे, और जैसे ही वो पहुंचा कंबशन चैम्बर में तो उस थोड़े से ही फ्यूल में एक हायर कंप्रेशन रेशियो की वजह से जो एक्सपेंशन है, बर्निंग प्लस जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टेम्परेचर है, वो क्विकली बढ़ जाएगा। और जैसे ही जो एक हायर टेम्परेचर रिसीव होगा टर्बाइन के इनलेट पे, और वहाँ पे आपका टर्बाइन सक्षम है उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर को झेलने में, तो कहीं कहीं कम फ्यूल का इस्तेमाल करके जो पावर रेशियो आपको हायर मिलेगी। तो यहाँ पर दो मुख्य फैक्टर बनते हैं एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, पहला तो आपका प्रेशर रेशियो है, दूसरा जो है टेम्परेचर रेशियो है। तो कहीं ना कहीं हायर टेम्परेचर रेशियो को अचीव करने के लिए जो भी आपके HPT के ब्लेड हैं वो उस तरह के टेम्परेचर को सस्टेन करने चाहिए, और ये एक मुख्य कारण है कि आप सिंगल क्रिस्टल ब्लेड की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पर हमने बात कर ली टेम्परेचर के एस्पेक्ट से, अब बात करते हैं जो भी ब्लेड वहाँ पर घूम रहे हैं उनके ऊपर किस तरह के जो प्रेशर है वो पड़ रहे होते हैं, तभी जो आपका सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का फैक्टर है कुछ और फैक्टर जो कि बाकी के ब्लेड झेल नहीं सकेंगे एक हायर एफिशिएंसी पे, उसको लेके बात कर लेते हैं। तो जब भी आपके इंजन में जो ब्लेड है वो घूम रहे होते हैं तो उन पे मुख्यतः तीन तरह के जो लोडिंग है वो पड़ रही होती है। पहली लोडिंग हो जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, दूसरी लोडिंग ये हो जाएगी जो एरोडायनामिक लोडिंग होती है, मतलब सामने से जो एयर आ रही होती है वो उसको पुश करती है तभी वो रोटेट होता है 1000 RPM से ऊपर। तो वो जो सामने से एयर आ रही होती है उसका जो प्रेशर होता है वो कई टन्स में आपके ब्लेड पे जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो सेकंड फैक्टर हो गया वो एरोडायनामिक की वजह से जो स्ट्रेस है वो जनरेट हो रहा है, और जो थर्ड फैक्टर है वो थर्मल स्ट्रेस है यानी कि टेम्परेचर की वजह से। तो ये तीन तरह के जो लोडिंग है वो यहाँ पे पड़ रहे होते हैं आपके ब्लेड पे, और इन तीनों ही लोडिंग को झेलने के साथ साथ ब्रेक ना होते हुए जो एक हायर एफिशिएंसी है वो आपके सिंगल क्रिस्टल ब्लेड देते हैं। तो कहीं इनकी जो आपके STSC इंजन है इनकी जो एफिशिएंसी है वो हायर होने वाली है। एफिशिएंसी को यहाँ पे हायर रखने के लिए एक लंबे समय तक, मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ ही होगा कि आपके जो इंजन लाइफ है, हॉट कोर की जो लाइफ है, वो हायर आप रखना चाहते हो तो आपको एक तरह की जो कूलिंग है वो देनी पड़ती है टर्बाइन के ब्लेड्स में। और आपकी कूलिंग जितनी इफेक्टिव होगी आपके ब्लेड की जो लाइफ है उतनी हायर होगी, जिसके परिणाम के रूप में आपके हॉट कोर का जो लाइफ है उतना इफेक्टिव होगा और जो ओवरऑल इंजन लाइफ है। तो टेक्निकली यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि एक हायर टेम्परेचर को टर्बाइन के इनलेट पे आप जितने लंबे समय तक सस्टेन कर पाओगे, यानी कि फ्लाइंग आर के टर्म में आपके जो इंजन की लाइफ होगी उतनी ही लंबी होगी। तो इस तरह की जो तकनीक है अमेरिकन इंजन की, जहाँ पे वो एक हायर टेम्परेचर को सस्टेन करवा पाते हैं अपने ब्लेड्स पे, चाहे वो ब्लेड्स में कूलिंग देके हो या फिर सिरामिक कोटिंग करके हो, तो वेरियस तरह के मेथड का इस्तेमाल करके जो हायर टेम्परेचर वो सस्टेन करवा पाते हैं एक लंबे ड्यूरेशन तक, इसलिए वैसे उनके इंजन की जो लाइफ होती है वो आमतौर पर आपको हायर देखने को मिलती है। तो ये भी एक फैक्टर है जो भी आपके इंजन है उनकी लाइफ को बढ़ाने का। यहाँ पे बात करते हैं जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड है वो खास क्यों है। तो नॉर्मली अगर आप कोई ब्लेड कास्ट करते हो तो आपने एक पर्टिकुलर मेटल को मेल्ट किया और उसको मोल्ड की हेल्प से जो कास्टिंग है वो कर ली, मतलब एक मोल्ड में उसको डाल दिया। जैसे उसको आप एक मोल्ड में डाल दोगे तो जो हीट है वो डिसिपेट होने लग जाएगा। हीट डिसिपेशन की वजह से जो भी मटेरियल है कास्टिंग के अंदर वो अपने आप को मल्टीपल एलिमेंट में बांट लेते हैं, जिसकी वजह से जो कूलिंग है वो जल्दी हो जाती है, और ये कूलिंग अनइवन होती है।
और इस कूलिंग की वजह से जहाँ पर उन्होंने अपने आप को मल्टीपल ग्रेन में बांटा है तो वहाँ पर जो ग्रेन बाउंड्री हैं वो बन जाती हैं। तो ये जो ब्लेड बना है जिनमें ग्रेन बाउंड्रीज हैं इनका अगर आप इस्तेमाल करते हो और जब भी जो लोडिंग है वो जैसे ही बढ़ेगी तो ये फ्रैक्चर कर जाएंगे, यानी कि जहाँ भी ग्रेन बाउंड्री थी वहाँ पर पहले क्रैक जनरेट होगा और वो क्रैक बढ़ते हुए उस पूरे ग्रेन को तोड़ देगा, जिसकी वजह से जो आपका ब्लेड है वो टूट जाएगा। तो ये आपका बेसिक ब्लेड हो गया। जो सेकंड ब्लेड होते हैं जिनको आप कहते हो डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड ब्लेड, इस तरह के ब्लेड में क्या होता है, ये आपके पहले वाले ब्लेड से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर जो ग्रेन बाउंड्री होती है वो आप कंट्रोल करते हो, मतलब उनको आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाल देते हो, जैसे कि जो भी बाउंड्रीज हैं उनको आपने डाल दिया वर्टिकल डायरेक्शन में, लाइब्रेरी की बुक्स की तरह, मतलब कई सारे ग्रेन को वर्टिकली आपने प्लेस कर दिया। इस तरह की बाउंड्री आप कैसे अचीव करते हो, जहाँ पे जो एयर का फ्लो है वो एक तरफ से आप दूसरी तरफ करते हो, इससे क्या होगा कि जो ग्रेन बाउंड्रीज हैं वो किसी एक डायरेक्शन में बन जाती हैं। तो इस तरह के ब्लेड को आप कह देते हो डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड ब्लेड, मतलब क्या कर रहे हो आप कि जो सॉलिडिफिकेशन है वो आप एक डायरेक्शन में कर रहे हो। तो ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड है, हम यही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन ब्लेड में भी जो इशूज हैं वो क्रीप को लेकर आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि बाउंड्रीज को आपने यहाँ पर डाल दिया एक डायरेक्शन में, तो जैसे ही टर्बाइन के इनलेट पर जो टेम्परेचर है वो हायर आएगा तो जो भी आपके ब्लेड के लीडिंग एज हैं उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो ट्रेलिंग एज हैं उनका टेम्परेचर कम रहता है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो बनता है। सो टेम्परेचर ग्रेडियंट के साथ साथ कई सारे जो अदर लोडिंग है, चाहे वो एरोडायनामिक लोडिंग हो या फिर सेंट्रीफ्यूगल लोडिंग हो, तो ये लोडिंग भी पड़ रही होती हैं, और एक कम्बाइंड लोडिंग की वजह से जो आपका ब्लेड है वो साइक्लिक स्ट्रेस में चला जाता है, जिसकी वजह से जो क्रीप है यानी कि फटीग फेलियर है वो आपके ब्लेड में आपको दिखाई देता है। आमतौर पर यहाँ जो ग्रेडियंट बनता है वो 200 केल्विन के अराउंड बनता है ब्लेड की लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज के बीच में। सो यहाँ पे आपके इंजन में जो भी हाई प्रेशर टर्बाइन है उनके ब्लेड आमतौर पर थिकर बनाए जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम पे थर्मल लोडिंग में रहते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कंप्रेशर्स की, आपके कंप्रेशर के जो ब्लेड होते हैं वो मुख्यतः एरोडायनामिक लोडिंग में रहते हैं, मतलब उन पर जो लोड पड़ रहा होता है वो एयर की वजह से ज़्यादा पड़ रहा होता है, ना कि टेम्परेचर की वजह से। सो ये भी एक कारण है हम यहाँ पर निकिल अलॉय का इस्तेमाल कर रहे हैं HPT के लिए, ताकि वो हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर पाए जो कि 1500 डिग्री सेल्सियस तक का है। अब यहाँ पे हम निकल की बात कर ही रहे हैं तो निकल के सुपरस्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे DRDO इस्तेमाल कर रहे हैं गामा प्राइम स्ट्रक्चर का। तो इसको समझने से पहले ये हम जान लेते हैं निकल सुपर अलॉय में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो 3 सेंटर्ड क्यूबिक है। कहने का अर्थ ये हो गया इसके स्ट्रक्चर के क्यूब में सभी कॉर्नर पर जो एटम है वो होते हैं, प्लस जो भी साइड है उन पर भी एक एक एटम होते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है बेसिक स्ट्रक्चर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जैसे आप इसको कंबाइन कर देते हो किसी अदर मटेरियल से गामा प्राइम में तो इसके जो भी एज हैं वहाँ पे भी जो एटम है वो आ जाते हैं, और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की वजह से ये हाई टेम्परेचर को सस्टेन करने में सक्षम हो जाता है। तो यहाँ पे एक सवाल था कि ये 3D प्रिंटेड ब्लेड है वो क्यों हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप 3D प्रिंटेड ब्लेड को देखते हो तो 5 to 10 micron पाउडर से मिलकर बनते हैं, मतलब उनके जो ग्रेन होते हैं वो 5 to 10 micron पाउडर से बनते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पे ये हो गया कि जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे और देखोगे तो यहाँ पे जो भी पार्ट आपने बनाया है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से, उनका जो स्ट्रक्चर होता है मल्टीपल ग्रेन से बने होते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ग्रेन इस्तेमाल करने की वजह से इस तरह के जो ब्लेड होते हैं वो हायर लोडिंग देने में सक्षम होते हैं, एरोडायनामिक लोडिंग, और ब्रिटल होते हैं, मतलब जो लोड है वो एक पॉइंट से ज़्यादा बढ़ाओगे आप तो रप्चर कर जाएंगे बिना किसी इंडिकेशन दिए, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेन बाउंड्री है वो बहुत सारे ग्रेन के कॉम्बिनेशन से बनी है। हालांकि यहाँ पर जो ग्रेन के मॉड्यूल हैं वो जिस तरह का आप चाहोगे उस तरह का आप अरेंज कर सकते हो, लेकिन HPT के लिए यानी कि हाई प्रेशर टर्बाइन के लिए इस तरह की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि HPT सेक्शन में थर्मल स्ट्रेस, एरोडायनामिक स्ट्रेस और जो सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस है ये तीनों ही पड़ रहे हैं। सो इस जगह पे किसी ब्रिटल मटेरियल का इस्तेमाल करना आपके इंजन की जो रिलायबिलिटी है उसको कम करेगा, प्लस जो लाइफ है वो सस्टेनेबल नहीं होगी। सो इसलिए आमतौर पर जो भी आपके HPT होते हैं उनको आप सिंगल क्रिस्टल ब्लेड में बनाते हो। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड वो चीज़ होती है जहाँ पे पूरे ब्लेड को सिर्फ एक ग्रेन से बनाया जाता है। अभी तक हम देख रहे थे कि छोटे छोटे मल्टीपल ग्रेन से मिलके जो आपके ब्लेड्स हैं वो बनते हैं। यहाँ पर सिंगल क्रिस्टल ब्लेड में आप क्या करोगे, सिर्फ एक ही ग्रेन को आप एक्सपेंड होने दोगे पूरे ब्लेड के स्ट्रक्चर में, मतलब बीच में जो कोई भी लाइन है उसको आप आने ही नहीं दोगे, तो जो क्रैक के चांस है वो ऑलमोस्ट निकल जाते हैं। ये चीज़ आप कैसे अचीव करोगे, इसमें बहुत सारी जो मेहनत है, टेक्निक है और इन्वेस्टमेंट है वो जाता है। दुनिया के कुछ ही कंट्रीज ने इसको अचीव किया है, जैसे कि USA, UK, फ्रांस, रशिया और शायद चाइना भी इस पर काम कर रहा है। यहाँ पर सिंगल क्रिस्टल ब्लेड को अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है वैक्यूम मेल्टिंग फर्नेस। इस तरह के फर्नेस में आप ऊपर से जो इनगॉट है यानी कि मेटल है वो डालोगे, और वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो वैक्यूम है वो क्रिएट किया जाता है जब यहाँ पर जो मेल्टिंग है वो हो रही होती है। और ये चीज़ आप इसलिए भी करती हो कि कोई भी जो ऑक्सीडेशन है वो ना हो पाए, मतलब मेल्टिंग करते वक्त कोई भी जो ऑक्सीडेशन है वो ना हो, बबल्स है वो क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे फर्नेस और लाइट वेट मोल्ड हीटर का इस्तेमाल करके जो मेल्टिंग है वो की जाती है। फिर आप लिक्विड मेटल को एक जगह कलेक्ट करोगे जो कि वैक्यूम के अंदर ही होगा, जिससे कि जो टेम्परेचर है यानी कि हीट डिसिपेशन है वो कंट्रोल रहेगा, जो स्ट्रक्चर है जैसा आप चाहते हो वैसा आपको बाद में मिलेगा। तो यहाँ पे अपने मेटल को मेल्ट कर लिया, अब आपको बनाना है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड।
तो बेसिकली जो मॉल्ड है, ऐसा मॉल्ड जो कि 1500 डिग्री टेम्परेचर को सस्टेन कर पाए, सिरामिक का मॉल्ड वो आप तैयार करोगे। उस मॉल्ड को अचीव करने के लिए पहले जो वैक्स का मॉडल है वो आप तैयार करते हो। वैक्स के मॉडल के तैयार होने के बाद कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जहाँ पे एक बार में मल्टीपल ब्लेड को कास्ट करने के लिए जो आपने तैयारी है वो की हुई है। जैसे ये जो वैक्स मॉडल है वो तैयार हो जाता है, इनको आप स्कैन करते हो एक्सरे से ताकि कोई भी जो होल है, पोर है, उसको आप एलिमिनेट कर पाओ। ये तैयार होने के बाद इनको आप कवर कर देते हो सिरामिक मोल्ड से, जिससे कि जो मोल्ड कैविटी है वो तैयार हो जाए। उसके तैयार होते ही इस कैविटी को आप पोर कर देते हो। जिस तरफ से स्प्रिंग शेप स्ट्रक्चर है वो दिया गया है, उसके नीचे वाले पोर्शन को आप बोल देते हो स्टार्टर, और जो स्प्रिंग सेक्शन है उसको आप बोल देते हो सेलेक्टर। तो यहाँ से जो मोल्टन मेटल है वो पोर होता है। जब वो पोर होगा तो वहाँ पे मल्टीपल ग्रेन होते हैं, और वो सभी के सभी जो मल्टीपल ग्रेन होंगे, जैसे जैसे जो मोल्टन मेटल है वो बढ़ता जाएगा तो जो ग्रेन है वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली ये जो सेलेक्टर है वो क्या करता है, वो प्रत्येक टर्न पे ग्रेन्स को एलिमिनेट करता रहता है और किसी एक ग्रेन को आगे बढ़ने देगा आपके ब्लेड के शेप में, जो कि पूरे ब्लेड में एक क्रिस्टल के रूप में आगे बढ़ता है। इस चीज़ को कंट्रोल वे में अचीव करने के लिए जो टेम्परेचर का सिलेक्शन है वो काफ़ी की हो जाता है। यहाँ पे जो वाटर कूल चिल हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है बॉटम में, और जो भी ब्लेड का सेक्शन है वहाँ पे कई तरह की हीटिंग और कूलिंग है, रेडिएशन हीटिंग और रेडिएशन कूलिंग, वो चीज़ की जाती है। और इन सभी प्रोसेस के कंट्रोल्ड वे में अचीव करने के बाद ये जो ब्लेड्स हैं वो आपको अचीव होते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क है ये कि आप एक सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बनाओ, जिसको DRDO के लिए DMRL ने अचीव किया है। यहाँ पे 5 सेट के जो ब्लेड हैं वो बनाए गए हैं, इनके 300 ब्लेड के अराउंड बनाए गए हैं। जो 60 ब्लेड हैं वो डिलीवर कर दिए गए हैं अभी तक आपके STSC इंजन में 1200 में। जो डायरेक्शनली सॉलिड फायर ब्लेड है यानी कि DSB वो इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो पहला खेप है वो डिलीवर कर दिया गया है 60 के नंबर में। तो अब वही ब्लेड इस्तेमाल होंगे जो कि आपके इंजन की एफिशिएंसी को हायर ले जाने वाले हैं, प्लस जो रिलायबिलिटी है वो इंप्रूव होगी अगर जो कूलिंग सिस्टम है वो DRDO और HAL अच्छा अचीव करती है। तो यहाँ पर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या फिर 3D मेटल प्रिंटिंग को लेकर ये चीज क्लियर है कि इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो इंजन के दूसरे पार्ट्स में, जैसे कि कंप्रेसर हो गया, फैन हो गया, वेन्स हो गए, तो इन जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात आती है HPT की, स्पेशली उस टर्बाइन में जिसको एक हायर थ्रस्ट डेवलप करना है, मतलब जो इनलेट टेम्परेचर टर्बाइन का वो हायर होगा, और आपकी जो कोटिंग और कूलिंग तकनीक है ब्लेड को लेके वो भी कुछ खास एडवांस नहीं है, तो उस केस में आप अवॉइड करते हो 3D प्रिंटिंग को HPT में। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।